अरे बूम नीचे करो मरे। गोव्यामध्ये सरकार स्थापन करेल हा मला विश्वास आहे। काँग्रेसच्या सर्व उमेदवारांना एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे आणि काँग्रेस जे आहे ते त्यांना अज्ञात स्थळी हरवण्याची तयारी करते। तेवढी गोष्ट तर मला पूर्ण विश्वास आहे की आम्हाला बहुमत तरीही जे काही आमच्यासोबत येऊ शकतात अशा सगळ्यांशी माझं बोलणं झालेलं आहे आणि मला विश्वास आहे आणि आम्हाला बहुमत मिळालं तरीही काही लोकांना आम्ही सोबत घेणारच आहोत। उमेदवारांवर विश्वास नाही त्यामुळे त्यांनी सगळ्यांना बंद करून ठेवलंय पण मला वाटतं की आम्हाला त्याची आवश्यकता पडणार नाही। आमचं सरकार तसंच पक्ष काँग्रेसची बैठक करत होती काल चिदंबरमची त्यांनी बैठक घेतली बोलले ते पक्ष आहे त्यामुळे ते सगळ्यांचीच बैठक करते त्याच्यामध्ये काही आपण आश्चर्य म्हणण्याचं कारण नाहीये। कुठलाही जो अशा प्रकारचा पक्ष असतो निवडणुकीच्या काळामध्ये किंवा रिझल्टच्या आधी वेगवेगळ्या शक्यता काय आहेत त्या परतावून पाहत असतो पण आयडिओलॉजिकली जर आपण विचार केला तर त्यांच्या सर्वात जवळचं भारतीय जनता पार्टी आहे। पूरा विश्वास आहे भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी हम कई लोगों को साथ में लेंगे। जिन लोगों को हम साथ में लेंगे बहुमत के बावजूद भी ऐसे सभी से हमने बातचीत की है और वो सारे लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। कांग्रेस की बैठक चल रहा है कांग्रेस ने अपने जितने भी प्रत्याशी हैं रिजॉर्ट में रखा है और वो कहीं ना कहीं और उनका कहना है कि वो जो गलती 2017 में हुई थी वो इस बार वो नहीं करेगी। मेरा मानना है कि मैं बहुत साफ शब्दों में ये कहता हूँ कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर या चुनकर आने वाले पर विश्वास नहीं है क्योंकि पार्टी कमजोर है पार्टी का नेतृत्व भी कमजोर है और इसलिए उनको लगता है कि उनके लोग भाग जाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है हम अपने बलबूते पर और अपने दोस्तों के साथ चिदम्बरम से बैठक में भी आए उनके सदस्य सुन रहे हैं एमजीपी किसके साथ जाएगी किस तरफ बढ़ेगी। एमजीपी एक स्वतंत्र पार्टी है और ऐसी पार्टी नीचे करो ये किसी के साथ भी चर्चा कर सकती है चर्चा कर थोड़ा थोड़ी है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आइडियोलॉजिकली अगर हम विचार करें या वोटर का हम विचार करें तो नेचुरली बीजेपी और एमजीपी साथ में आना ये बड़ा नेचुरल है।